हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3 थी हमारी पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, और पॉलिनोमियल की हमने एक्सरसाइज हमारी 3.3 स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3.3 के हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, सेकंड के हमने फिफ्थ तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, जो कि क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अब एक इक्वेशन दी हुई है आपको 6 में, 100x² - 20x + 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, और इसको आपको सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने क्या बताया था आपको, -20x जो ये मिडिल टर्म है, इसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। अब वो दो पार्ट्स कैसे स्प्लिट करना है, कि ऐड करने पर तो हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस के 20x, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 100x² × 1, यानी 100x². तो हमें ऐसी दो टर्म ढूंढनी है। कल मैंने आपको बताया था कि एक बार के लिए आप प्लस माइनस x² इनको भूल के सिर्फ नंबर्स पर फोकस करना है हमें, 20 और 100। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनको एड करें तो 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 10 और 10। 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। बट अब हमारे पास ऐड में क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए, यानी दोनों ही किसके लेने पड़ेंगे हमें, माइनस का 10, और माइनस के 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, और दोनों के साथ क्या लगा दो, एक्स लगा दो। अब दोनों ऐड होके कितने बन जाएंगे, -20x, और -10x को मल्टीप्लाई करेंगे -10x से तो कितना आ जाएगा, 100x², यानी इसकी दो टर्म स्प्लिट होके क्या बनेगी, -10x है और -10x। तो इसको लिख लेते हैं, 100x² -10x - 10x + 1 = 0। अब हमें क्या करना है, सिंपल कॉमन लेना है, यहां से जो कॉमन आ रहा है और इस पेयर में से जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, दोनों में से कॉमन आ रहा है 10x। 100x² में से 10x कॉमन लिया, कितने बचेंगे, 10x बच गए, माइनस का साइन, 10x में से 10x कॉमन लिया क्या बचा, 1 बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं हो तो हम क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लिया हमने। -10x में से -1 कॉमन लिया कितने बचे, 10x बच गए, +1 में से -1 कॉमन लिया कितना बचा, -1 बच गया, और इक्वल में क्या है, 0। अब पूरी इस इक्वेशन में यहां पे 10x - 1 है और यहां भी 10x - 1 है, तो दोनों साइड से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 10x - 1, और इधर बच क्या गया, 10x - 1 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 10x - 1 = 0, और इधर भी क्या है, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, और यहां से भी 10x = 1, x = 1/10। तो यहां पर हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के मेथड से इसके दो जीरोस फाइंड हो गए, दोनों कैसे हैं, सेम है, 1/10 और 1/10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चंस को आप घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करते रहना है आपको, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक सही ढंग से प्रॉपर तरीके से आपके नहीं हो पाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3x² - 2√6x + 2 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इसमें क्या करना है हमें, वही ये मिडिल टर्म है क्या है, -2√6x, इसके दो पेयर दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है, और कैसे करना है,
कि ऐड करने पर आए कितना, माइनस के टू रूट सिक्स एक्स, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू सिक्स एक्स स्क्वायर। तो हमें अब की बार ऐसी दो टर्म ढूंढनी है जिनको ऐड करें तो कितना आए, माइनस का टू रूट सिक्स एक्स, और मल्टीप्लाई करें तो सिक्स एक्स स्क्वायर। बस यही चीज है इन क्वेश्चन में, आपको यही चीज सीखनी है कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं ऐसे दो नंबर। तो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया, प्लस माइनस भूल जाओ, एक्स एक्स स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ नंबर पर फोकस करो। ऐड करने पर आना चाहिए टू रूट सिक्स और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए सिक्स। तो मेरे दिमाग में दो नंबर ऐसे आते हैं क्या, रूट सिक्स और रूट सिक्स। अगर रूट सिक्स और रूट सिक्स को मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, टू रूट सिक्स, और रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा रूट सिक्स से तो क्या बन जाएगा, वो सिक्स बन जाएगा। यानी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब साथ में यहां पर क्या है, किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस के लिए दोनों जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और साथ में एक्स, यानी ये बन गया माइनस टू रूट सिक्स एक्स, और माइनस के रूट सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट सिक्स एक्स से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर। यानी इसके दो पेयर हमें पता लग गए क्या होंगे, माइनस रूट सिक्स एक्स और माइनस रूट सिक्स एक्स। इसको लिख लेते हैं यहां पर, माइनस के रूट सिक्स एक्स, माइनस के रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए देखो, यहां है थ्री एक्स स्क्वायर और इधर है रूट सिक्स एक्स, तो दोनों में अभी तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा जिससे हम कुछ कॉमन ले सके। कैसे, इस थ्री को हम लिख सकते हैं क्या, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, थ्री होता है, तो इसकी जगह ये लिख दिया। इस रूट सिक्स को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू। रूट सिक्स है, इसको सिक्स को अंदर क्या लिख सकते हैं हम, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री टू जा सिक्स होते हैं, और दोनों के साथ अलग अलग रूट लगा दिया, रूट थ्री इंटू रूट टू। तो रूट थ्री इंटू रूट टू भी कितना होता है, रूट सिक्स, तो रूट सिक्स को हमने लिख दिया रूट थ्री इंटू रूट टू, साथ में एक्स। ऐसे ही इस रूट सिक्स को भी लिख दिया क्या, रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स प्लस, इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे थ्री को हमने लिखा रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री, ऐसे ही टू को क्या लिख देंगे, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू और इक्वल में जीरो। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, देखो इस पेयर में से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, रूट थ्री और साथ में एक्स, रूट थ्री एक्स कॉमन ले लिया हमने, इसमें से रूट थ्री एक्स कॉमन लिया क्या बचा, रूट थ्री एक्स बच गया, माइनस इसमें से रूट थ्री एक्स कॉमन लिया क्या बचा, रूट टू बच गया। अब इधर आ जाओ, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से रूट टू कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से रूट टू कॉमन लिया तो क्या बच गया, रूट थ्री एक्स बच गया, रूट टू इंटू रूट टू में से माइनस का रूट टू कॉमन ले लिया कितने बच गए, माइनस के एक रूट टू बच गया, दो रूट टू थे एक कॉमन ले लिया क्या बच गया, एक रूट टू, इक्वल में क्या है जीरो। अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मैंने क्या बताया ये हमेशा सेम आना चाहिए तभी हमारा जो मेथड है हमने सोल्व किया अभी तक क्वेश्चन वो राइट होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो ये अब दोनों में से कॉमन ले लिया हमने रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और बाहर भी क्या बच गया, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और इक्वल में आगे क्या जीरो। अब एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार इसे इक्वल जीरो के पुट कर देंगे, यहां से आ गया रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में रूट थ्री, और यहां से रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में रूट टू। तो दोनों से सेम ही जीरो आए इसके भी, क्या ये एक्स की दो वैल्यू, रूट टू अपॉन रूट थ्री, और यहां से भी रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, एक बार वापस से देख लो इसी क्वेश्चन को, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में गिवन था हमारा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, इसके हमें जीरोस फाइंड करने थे किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, मिडिल टर्म है माइनस के टू रूट सिक्स। अब माइन हमें ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर तो हमें मिले माइनस के टू रूट सिक्स एक्स, और मल्टीप्लाई करने पर मिले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी थ्री इंटू टू सिक्स एक्स स्क्वायर। तो हमें ऐसी दो टर्म ढूंढनी है जिनको ऐड करने पर माइनस टू रूट सिक्स आए और मल्टीप्लाई करने पर सिक्स एक्स स्क्वायर आए।
तो हमें ऐसी दो टर्म क्या दिखी, माइनस के रूट सिक्स एक्स और माइनस के रूट सिक्स एक्स। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के टू रूट सिक्स एक्स बन जाएंगे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर। यानी हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यानी हम माइनस टू रूट सिक्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स, बाकी सारा सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। अब यहां पर हमें कुछ कॉमन लेने को दिख नहीं रहा है, इसलिए हम थ्री को क्या लिख देंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री। थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री थ्री होता है। और ऐसे ही रूट सिक्स को लिख दिया रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट टू। क्यों लिखा, जिससे कि हम इजिली कॉमन ले सके। ऐसे यहां पर इस रूट सिक्स को लिख दिया रूट थ्री इंटू रूट टू, और इस टू को लिख दिया रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू। अब दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो आया उसको इक्वल जीरो के पुट कर दिया, और हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ओके स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा ये। एक बार वापस से अपने बेस पे ट्राई करना घर पे, और अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट कर दो। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें इफेक्ट जीरोस फाइंड करने, तो क्या करते हैं सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी ऐड करने पर तो कितना आना चाहिए एट एक्स, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स स्क्वायर इंटू सेवन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए सेवन एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, प्लस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है एक बार, हमें सिर्फ फोकस करना है नंबर्स पर, एट और सेवन। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो एट आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो सेवन आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो ऐड करने पर एट कैसे मिल सकता है हमें, अगर मैं ऐड करूं फोर में फोर तो एट मिल जाएगा, फोर प्लस फोर एट होते हैं, बट क्या फोर और फोर को मल्टीप्लाई करने पर सेवन आएगा, नहीं आएगा, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। ऐड करने पर सिक्स और टू को अगर ऐड करूं मैं तो एट मिल सकता है, बट सिक्स और टू को मल्टीप्लाई करने पर सेवन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं लिखूं अगर फाइव और थ्री, फाइव और थ्री को ऐड करने पर एट मिल जाएगा, बट क्या फाइव और थ्री को मल्टीप्लाई करने पर सेवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकते। अगर मैं ऐड करूं सेवन प्लस वन, सेवन प्लस वन कितने होते हैं एट होते हैं, और सेवन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा सेवन मिल रहा है, यानी कि ये पेयर हमारा राइट है। बस इसमें क्या करना है, एक्स लगाना है, सेवन एक्स प्लस वन एक्स लिखो या एक्स लिख दो एक ही बात है, और ऐसी सेवन एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर, यानी दो पेयर मिल गए हमें। इस एट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे सेवन एक्स प्लस एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एक्स, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया एक्स बचा, एक्स में से एक्स कॉमन लिया वन बचा, सेवन एक्स प्लस सेवन में से कॉमन क्या आएगा सेवन, सेवन एक्स में सेवन कॉमन लिया एक्स बचा, सेवन में से सेवन कॉमन लिया वन बचा। इन दो पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आया एक्स प्लस वन, और ब्रैकेट के बाहर क्या बच गया एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू में जीरो। एक बार इसको इक्वल जीरो के, एक बार इसको इक्वल जीरो के, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और यहां से हमारा आया एक्स इज इक्वल टू माइनस के सेवन। तो ये हमारे दो जीरोस फाइंड हो गए इस इक्वेशन के, क्या माइनस वन और माइनस सेवन। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट सेकेंड टाइप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। ये क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, हमें गिवन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहला काम हमें करना होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा
टू एक्स माइनस थ्री से, और x प्लस टू मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस सेवन से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले x को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x से किया 2x स्क्वायर, x को माइनस थ्री से किया माइनस 3x, फिर 3 को किया 2x से 6x, 3 को किया माइनस थ्री से माइनस के 9। अब इधर आ जाओ, x को 3x से किया 3x स्क्वायर, x को माइनस सेवन से किया माइनस के 7x, फिर 2 को करेंगे 3x से 6x, और 2 को करेंगे माइनस सेवन से माइनस के 14। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, सिंपल हमें इधर वाली पूरी टर्म को इधर ट्रांसफर कर लो, या इसको उधर कर लो, किसको किसी को भी किधर कर लो, इस वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ जीरो। उधर जो है पहले लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14, इधर से सारी टर्म उधर जाएंगी तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है उधर जाके माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x है उधर जाके प्लस का 3x, प्लस का 6x है उधर जाके माइनस का 6x, माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का 9, इक्वल में 0। अब जो जो टर्म्स ऐड हो रही है उन्हें ऐड कर लो, 3x स्क्वायर और ये है माइनस 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होंगे क्या बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद ये है माइनस के 7x प्लस के 6x, देखो माइनस 7x प्लस 6x, 6x में से 7x जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के x बच गए, x वाली टर्म और भी है देखो, ये प्लस का 6x है ये माइनस का 6x है, तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो सीधा ही, हमें जरूरत ही नहीं है, माइनस सेवन एक्स बच गया और एक बच गया प्लस के 3x, तो 3x में से 7x माइनस करेंगे कितना बच जाएगा माइनस के 4x, ये वाला पार्ट हो गया x वाला पार्ट। अब कांस्टेंट टर्म माइनस 14 प्लस 9, 9 में से 14 माइनस करने हैं कितना आ जाएगा माइनस के 5, और इक्वल में बच गया 0। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करके क्या बना लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें भाई, जैसे अब तक करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या कि ऐड करने पर तो हमें मिलना चाहिए माइनस के 4x, और मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस के 5x स्क्वायर। तो बताओ ऐसी दो टर्म कौन सी होंगी कि ऐड करने पर तो मिले 4 और मल्टीप्लाई करने पर मिले कितना माइनस के 5, एक बार चेक कर लो कुछ तो नहीं गया। x को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, x को माइनस 7 से किया माइनस 7x, 2 को 3x से किया 6x, 2 को माइनस 7 से किया माइनस 14, इधर राइट है, x को 2x से किया 2x स्क्वायर, x को माइनस 3 से किया माइनस 3x, 3 को 2x से किया 6x, 3 को माइनस 3 से किया माइनस 9, फिर इस वाली टर्म को सब को उधर ट्रांसफर कर दिया, इधर आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x और प्लस का 9, ठीक है, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किए x स्क्वायर, माइनस 7x ये प्लस का 6x माइनस के 6x से कैंसिल हो गया, माइनस 7x प्लस 3x कितने बच गए माइनस के 4 बच गए, माइनस के 4x बच गए, माइनस का 14 प्लस का 9 कितने बच गए माइनस के 5, और इक्वल में आ गया 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें दो टर्म ऐसी ढूंढनी है कि ऐड करने पर तो आए कितना माइनस के 4x और मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस के 5x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, एक बार प्लस और माइनस के साइन को भूल जाना है, सिर्फ क्या देखना है x और x स्क्वायर देखना है, एक बार इनको हटा देते हैं अपन। तो हमें ऐसी दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 5 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, 5 और 1, 5 into 1 कितना होगा 5, और अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 4, बट यहां 4 किसका था माइनस का, तो इसलिए हमें 5 लेना होगा माइनस का और ये लेना होगा प्लस का, क्योंकि यहां पर ऐड करने पर साइन किसका आ रहा है माइनस का, अगर यहां प्लस का होता तो 5 प्लस का लेते और 1 माइनस का लेते। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया माइनस 5x प्लस x कितना आ जाएगा माइनस 4x, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस 5x इंटू x कितना आ जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर,
यानी हम माइनस फोर एक्स की जगह दो टर्म क्या लिखेंगे, माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, माइनस फोर एक्स की जगह लिख दिया माइनस के फाइव एक्स प्लस का एक्स, और यहाँ माइनस फाइव इक्वल में जीरो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, और ब्रैकेट में बच गया एक्स माइनस फाइव, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो वन ले लिया, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। पूरे में से क्या कॉमन आया, एक्स माइनस फाइव, और बच क्या गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार x माइनस फाइव को जीरो के इक्वल पुट कर देना, एक बार x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो एक बार तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू फाइव, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के वन। ओके स्टूडेंट, एकदम सिंपल सा था बाद में तो, बस पहले हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए सारे उसी हिसाब से इसको करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, तो आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बार सेल्फ बेस पे घर पे अपने प्रैक्टिस करना, वापस से एक बार नोटबुक में खुद से करके देखना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर देना। आज की क्लास यहीं और करते हैं, थैंक यू सो मच।